नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हालात तो ये हो चुके हैं कि अगर भगवान भी धरती पर उतर आए और कहें कि महंगाई बढ़ गई है तो शायद उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसे हालातों में अगर कोई भगवान शिव और माता पार्वती का रूप धारण करके कोई कलाकार मोदी सरकार का विरोध करता है और कहता है कि महंगाई से निजात पाने के लिए विरोध में सामने आओ, तो उसके साथ क्या होगा, उस कलाकार के साथ क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको खबर दिखाती हूं कि उसके साथ क्या होगा। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद का भांडाफोड़ करेंगे, कैसे दोगले चरित्र के तहत काम किया जाता है, कैसे कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन पहले आप इस खबर को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। NDTV की खबर है कि बढ़ती महंगाई और मोदी सरकार का विरोध करने के लिए धरा भगवान शिव का रूप, पुलिस ने ले लिया हिरासत में। तो मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं कि एक कलाकार जब शिव जी का रूप धारण करके पीएम मोदी की खिलाफत करता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे निजात पाने के लिए सरकार के विरोध में सामने आना होगा, तो उसके साथ क्या होता है, मामला सुनिए। खबर में अंदर लिखा है, NDTV की खबर के मुताबिक असम में एक नुक्कड़ नाटक के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में मूल्यों में वृद्धि के विरोध में एक महिला सह अभिनेता जो पार्वती के रूप में थी के साथ बिरंची बोरा ने कल भगवान शिव के रूप में तैयार होकर नाट्य प्रदर्शन किया। उनके इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। हालांकि उनके कृत्य के जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने निंदा की। इन संगठनों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, बाद में अभिनेता पर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि भांडाफोड़ जब करूंगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पूरा खेल किया जाता है। खबर में लिखा है कि बाद में अभिनेता पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करा दी गई। इस शिकायत के बाद बिरंची बोरा को हिरासत में ले लिया गया और नगांव सदर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो एक कलाकार एक्टिंग कर रहा था, महंगाई बढ़ रही है, उसने बताया कि महंगाई बढ़ रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए मोदी सरकार के विरोध में सामने आना होगा। लेकिन आहत हो गई, क्या आहत हो गई, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई विश्व हिंदू परिषद की और बजरंग दल की कि भाई ऐसे नाटक कैसे कर सकता है, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं, कैसे शिव जी और पार्वती जी का रूप रख सकता है। क्योंकि आपको बता देती हूँ, छोटा सा नाटक था, इस नाटक में ये था कि बिरंची बोरा और उनकी जो सहकर्मी थी उन्होंने पार्वती और शिव का रूप धारण किया, एक मोटरसाइकिल पर सवार हुए, थोड़ी दूर गए, जब पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो वहीं पर उन्होंने अपना नुक्कड़ नाटक किया और उसमें कहा कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार के विरोध में सामने आना चाहिए, इनका नाटक था। इससे भावनाएं आहत हो गईं, इतना भर से भावनाएं आहत हो गईं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत दर्ज कराई, पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार कर दिया गया। क्योंकि महंगाई तो इस समय मौजूदा हालातों में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो क्या है आपको पता है, मुद्दा धर्म है। अब खेल कैसे होता है ये भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे धार्मिक भावनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप वीडियो देखिए, इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को देखने भर से आप पूरा खेल समझ जाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखा आपने, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स शिवजी का रूप धारण करके बीजेपी का झंडा लेकर एक टांग पर गोल गोल घूम रहा है, साइड में पुलिस भी खड़ी है, एंकर साहब एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी की कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। आप वीडियो में हंसने की भी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हंसी उड़ाई जा रही है, जो मजाक बनाया जा रहा है, इसके बावजूद धर्म अपमानित नहीं हो रहा है, कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वीडियो में पुलिस भी मौजूद है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है,
ये शख्स जो बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहा है, ये बीजेपी की भक्ति में लीन है, बीजेपी का झंडा ऊंचा कर रहा है, इसलिए किसी की कोई भावनाएं आहत नहीं हो रही है। तो अगर आप भक्ति करते हैं तो सब कुछ चंगा है, लेकिन आप अगर खिलाफत करते हैं तो आपने पहली खबर में देखा कि क्या होता है। बता दें कि ये वीडियो है, ये कल से लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। इस वीडियो को शेयर करके लगातार मांग की जा रही है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। आपको मैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट दिखा देती हूँ, जो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये भगवान शिव द्रोह है, धर्म द्रोह है। भगवान शिव का चोला धारण किए भाजपा का झंडा हाथ में उठाकर कौन मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान कर रहा है? ऐसे पाखंडी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या भगवान शिव को भाजपा वाले अपना झंडा हाथ में देकर अपमानित करेंगे? तो इस तरीके से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, और इस ट्वीट में कांग्रेस प्रवक्ता मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि शिव जी को अपमानित किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस ट्वीट को देखकर, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होगी कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि जो ये शिव जी का वेश धारण करके जो शख्स बीजेपी का भक्ति कर रहा है, झंडा बुलंद कर रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी? और दूसरी बात है कि कार्रवाई की मांग करने वाला भी कांग्रेस प्रवक्ता है, विपक्ष का नेता है, इसलिए भी कार्रवाई नहीं होगी? लेकिन अगर हाँ, यही विश्व हिंदू परिषद या फिर कि बजरंग दल ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की होती, या फिर कि ये जो शिव जी और पार्वती का रूप धारण करके खिलाफत की गई होती मोदी सरकार की, तो क्या होता? वो आपने असम की खबर में देख लिया है कि कैसे गिरफ्तारी कर ली जाती। पहले हिरासत में लेते, फिर गिरफ्तार कर लेते, फिर उसके बाद किसी भी तरीके से बॉन्ड पर रिहा किया जाता। कहिए, या इन पर यूएपी और एनएसए नहीं लगा दिए गए? यही बड़ी बात है कि छूट गए बेचारे। जो कलाकार अपनी कला से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मौजूदा हालात क्या हैं, उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई बजरंग दल की और कथित जो हिंदू संगठन है उनकी। और लेकिन जब कोई एक पैर पर झंडा लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर गोल गोल चक्कर काटता है, तो किसी की कोई भावनाएं आहत नहीं होती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही खेल किया जाता है। कोई टीवी पर बैठकर कुछ भी अनर्गल बकता है और किसी के एक 2018 के ट्वीट भर से उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में ठूस दिया जाता है। समझ ही रहे होंगे आप, बात कर रही हूँ नूपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर की। कैसे धार्मिक भावनाओं के नाम पर कैसे आम आदमी की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या हर हर मोदी बचाएगा? अब हर हर महादेव नहीं बचा पाएगा। इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।